नोएडा के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है, जहां भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं। वहीं देश और विदेश से आए कलाकार भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं और आपको बताएं कि वो भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। लाइन में लगे भक्त भी कान्हा के दर्शन पाने के लिए आतुर हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा के इस्कॉन टेंपल में, जहां पर आप देख सकते हैं भगवान के जो पट है वो खुल चुके हैं। भगवान का दरबार है वो खुल चुका है, लोगों को दर्शन करने का, जो लोगों का दर्शन करने का सिलसिला है वो चालू हो चुका है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, लोग दर्शन करना चाहते हैं, अपने भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लड्डू गोपाल के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, द्वारकाधीश के दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ पे लाइनें लगी हुई है, देखिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। यहाँ सुबह से ही लोग यहाँ पर, सुबह 4 बजे से लोग यहाँ आना शुरू हो गए थे और लंबी लंबी कतारों में लाइन में लगे हुए हैं। क्यों मैडम, भगवान के दर्शन किए? भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए? कैसा लगा? अच्छा, अच्छा लगा। कितनी देर से लाइन में लगी है? 10-15 मिनट। 15 मिनट से लाइन में लगे। आप सुबह से ही लोग लाइन में लगे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, अपने द्वारकाधीश के दर्शन करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बैठी हुई है, विराजमान हुई है। कैसा लगा? अच्छा, अच्छा लग रहा है, सबका माहौल अच्छा है। आज जन्माष्टमी का त्योहार आप मनाएंगे? हाँ। किस तरह से मनाएंगे? अच्छी तरह मनाएंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आज जन्माष्टमी का त्योहार घर में मनाएंगे आप? जी। किस तरीके से मनाएंगे? भगवान का पूजा अभिषेक अभिनंदन करके। और बहने भी हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। राधे राधे, कैसा लग रहा है भगवान? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लंबी लंबी लोग कतार में लगे हुए हैं, अपने द्वारकाधीश के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। हाँ, प्रभु जी के दर्शन आज के दिन तो सबके बनते हैं, तो सब कर रहे हैं, सेवा चलती है अभी सभी करते हैं। सर, द्वारकाधीश के दर्शन कर लिए? द्वारकाधीश के दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन बहुत, कैसे कह सकते कि उसका कोई बता नहीं सकते कि भगवान के दर्शन कैसे है। और यही है कि आज लाखों भक्त आए हुए हैं दर्शन के लिए, और कीर्तन भी, जैसे आप देख रहे हैं, कीर्तन भी पूरे 24 घंटे हैं सुबह से रात तक, और शाम के वक्त पर 56 भोग लगेगा और अन्य चीज़ें भी होंगी शाम के वक्त, की रासलीला वगैरह भी होगा। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भजन संध्या चल रही है, उसके बाद यहाँ पर कैसे लोग जो भजन है चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के, द्वारकाधीश के, उसमें देखिए किस तरह से नृत्य कर रहे हैं, भगवान को एक तरीके से खुश करने का प्रयास है। हालांकि जिस तरीके द्वारकाधीश के लोगों को दर्शन हुए, तो काफ़ी आनंद, लोगों का कहना है कि काफ़ी आनंद उनको महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, सुबह से ही यहाँ पर लगातार यहाँ पर लाइनें लगी हुई है, लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो संख्या रखी गई है, हजारों लोगों की तादाद में यहाँ पर बैठने की व्यवस्था रखी गई है। अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर पंडाल लगाए गए हैं, यहाँ पर भंडारे किए जा रहे हैं, भगवान का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। मैं अभी कहा विवेक सिन्हा को कैसे नोएडा।